जय साथ एनसीईआरटी के गणित की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी गणित में कक्षा 6 की अध्याय 2 पढ़ेंगे और ये अध्याय 2 की बात करते हैं पूर्ण संख्याएं हैं। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी गणित जब भी हम गणित की बात करते हैं गणित की शुरुआत करते हैं बेसिक से गणित सीखना हो तो एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं के लिए तो एनसीईआरटी ही महत्वपूर्ण होती है। इस एनसीईआरटी के सेशन में एनसीईआरटी जो मैथ के नोट्स है उस गणित के नोट्स के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस सेशन को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस बैंक्स हैं जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है उसकी वीडियो हम अलग अलग हर लेसन का अलग अलग बनाकर आप तक उपलब्ध कराएंगे या कोशिश करेंगे एक ही एक साथ कई लेसन को ऐड करके। फिलहाल इस वीडियो में आगे बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा जरूर करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गणित का अध्याय हो गया, अध्याय दूसरा है। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, आइए पूर्ण संख्या के बारे में हम और आप जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में अपना परिचय भी पूर्ण संख्या का जरूर देंगे। पूर्ण संख्या क्या है, जीरो सहित गिनती की संख्या को, माने अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया जीरो प्लस गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्या इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, होल नंबर, माने यहाँ पर है आपका ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। लेकिन एक बात और याद रखना होगा कि जो गिनती की संख्या होगी इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, माने हम कह सकते हैं जीरो प्लस एन बराबर डब्ल्यू। अब कहेंगे सर जीरो का मतलब क्या हो गया, ओ नहीं है ये शून्य है, ये हो गया शून्य, ये जीरो है हमारा, ये क्या है, ये शून्य है, जीरो है, जीरो प्लस एन नेचुरल नंबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा होल नंबर। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि देखिए पूर्ण संख्या क्या है इसी पर हम लोग को फोकस करना है। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या माने जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सभी धनात्मक पकी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, माने जीरो सहित अनंत तक सभी धनात्मक गिनती की संख्या, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अर्थात सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। हमने आपने भी देखा कि जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनती है, इसे होल नंबर कहते हैं। माने अगर हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक धनात्मक संख्या जितनी भी होती सब प्राकृतिक संख्या है, उसमें अगर जीरो को जोड़ देते हैं जीरो सहित तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे पूर्ण संख्या एग्जाम्पल है जीरो एक दो तीन चार पांच तो यहां पर जीरो सहित जो प्राकृतिक संख्या गिनती की धनात्मक संख्या है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या की बात आती है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, माने यहां से होगी प्राकृतिक संख्या आपकी। ठीक है, हम आगे चलते हैं सेशन में और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को बने रहेगा। देखिए ये जो गिनती की संख्या है ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे इसमें जीरो डाल दिया गया, ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे जीरो को मिला दिया गया यह क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। क्लियर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी अनंत, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी क्योंकि एक से छोटी हो नहीं सकती, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम यहाँ पे जानते हैं, हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि गिनती की जो संख्या है, हम जानते हैं कि गिनती की संख्या एक दो तीन चार पांच अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऊपर हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कही थी, यहाँ पे देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, अर्थात इनका सभी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या ये नेचुरल नंबर है, ये कहलाती प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है क्योंकि जीरो सहित अगर गिनती की संख्या है तो प्राकृतिक संख्या हो गई, जीरो निकाल दिया तो प्राकृतिक संख्या बच गई, तो जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ये अनंत तक बढ़ते हैं, ये है प्राकृतिक संख्या। लेकिन जैसे ही इसमें हम इसकी शुरुआत जीरो से लेकर शुरू कर देंगे तुरंत ये बन जाएगी पूर्ण संख्या, और जैसे जीरो घटा के बाकी गिनती की जो संख्या होगी वो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या, कौन सी होगी, प्राकृतिक, इसी को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। हम और आगे चलते हैं आपके साथ, एक से लेकर अनंत तक की समस्त जो प्राकृतिक संख्या है वो आपके सामने है, यहाँ पे डिस्प्ले पर दिख रही है, माने एक से लेकर अनंत तक की समस्त संख्या है, एक से लेकर अनंत तक की जो समस्त संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
ये प्राकृतिक संख्या द्वारा दी गई संख्याओं को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यन से। नेचुरल नंबर यन है और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरी गिनती की संख्या है और जो गिनती की संख्या है इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये अनंत तक हो सकती है, 101, 201, 301, 401, 1001, 1,01,000, 1,10,000, मतलब जितनी भी गिनती की संख्या है, क्योंकि अनंत तक होती है। प्रत्येक संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो उससे बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाएगी, एक और बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया, समझ लिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ने पर प्राप्त होती जाती है, धनात्मक होती है, अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको पता चल गया ए, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो होती है अनंत। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और गिनती की संख्याएं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एकदम रट लीजिएगा। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। उदाहरण के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक है। अब यहाँ पे देखिए समझने का कुछ प्रयास करिएगा, मैं वही समझाना चाह रहा था। देखिए गिनती की जो संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्या है इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये यन माने नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन इस गिनती की संख्या को यहां से जो है ये देखिए ये क्या है आपकी, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जैसे इसमें शून्य जोड़ दिया जाए वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। माने शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन शून्य के साथ की जो संख्या होती है यह पूर्ण संख्या होती है। तो याद रखिएगा शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। यह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। जीरो सहित गिनती देखिए अभी क्या हो गया। अब देखिए अगर इसको हमने बंद कर दिया, यहाँ पे अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो देखिएगा मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अभी हो गई प्राकृतिक संख्या, क्या हो गई? प्राकृतिक। अब क्या हो गई? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सबसे छोटी एक सबसे बड़ी अनंत। अब क्या होगी? पूर्ण संख्या। जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, सबसे छोटी जीरो, सबसे बड़ी अनंत। अब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शून्य सहित सभी गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अभी जस्ट हमने बताया शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, इसे W द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अनंत तक है, तो क्या होगी? W। W माने क्या होगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या होगी। अब जैसे ये क्या कहते हैं? इसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा जीरो से शुरू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां तक है। पूर्ण संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्याएं शामिल नहीं होती। याद रहे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें भिन्न संख्याएं शामिल नहीं होती, जैसे 2/3, 7/5, 0.37। तो जो भिन्न होती है या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे 2/3, 1/2, 3.4, 5.4 ये सब पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होती। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है और आपके लिए महत्वपूर्ण है इस तथ्य को समझना कि जो भिन्न होते हैं संख्याएं, दशमलव की संख्याएं होती हैं, ठीक है, या वे पूर्ण संख्या नहीं होती। हम और आगे चलते हैं आपके साथ। एक पूर्ण संख्याओं में पूर्ववर्ती, अब हम पूर्ववर्ती संख्या को जानते हैं, पूर्ण संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। तो जो पूर्ववर्ती होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हम पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती में हम लोग देखिएगा आप लोग, पूर्ववर्ती का मतलब है क्या है? माइनस ए। और परवर्ती, अच्छा पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या होगा? प्लस ए। माने किसी भी संख्या में अगर हम एक घटा देते हैं, देखिए पूर्ववर्ती यदि हम किसी संख्या में से एक घटाते हैं तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। देख रहे, पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। और पूर्ण संख्याओं के लिए जीरो के अलावा प्रत्येक संख्या की पूर्ववर्ती होती है। कोई भी संख्या अपने मन में लीजिए, जैसे आपने ले लिया 121, इसमें से एक घटा देंगे, इसकी जो पूर्ववर्ती है वो हमें मिल जाएगी 100। तो प्रत्येक संख्या की अपनी पूर्ववर्ती संख्या होती है, लेकिन जीरो की पूर्ववर्ती नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर जीरो की पूर्ववर्ती निकालेंगे, जीरो में से माइनस एक करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस एक। और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। पूर्ववर्ती संख्या हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा, हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि जीरो की पूर्ववर्ती नहीं होती, अनुवर्ती होती है। क्योंकि जीरो में अगर हम एक जोड़ देंगे हमें एक प्राप्त हो जाएगा, तो अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती और परवर्ती को हम इसी को अनुवर्ती भी कहते हैं, इसी को हम
इसी को हम अनुवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती को हम अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं, माने जो उसकी अगली संख्या होती है। जीरो की अनुवर्ती तो होती है लेकिन जीरो की पूर्ववर्ती नहीं होती, क्योंकि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, कभी भी किसी भी दशा में यह ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। यह कॉन्सेप्ट आपको समझना है और साथ में अगर नोट्स बनाते चलिए। वैसे ये इसकी जो पीडीएफ है आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, ऐप से, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में और राष्ट्रहित में। देख रहे 9 का पूर्ववर्ती 8, 10 का 9, 11 का 10। यहाँ पे देख लीजिए 2 की पूर्ववर्ती 1, 11 की पूर्ववर्ती 10, 100 की पूर्ववर्ती 99, 0 की पूर्ववर्ती। देखिए 0 की पूर्ववर्ती नहीं हो सकती क्योंकि इसका -1 आएगा और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमेशा जो पूर्ववर्ती होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और ये पॉजिटिव नंबर होता है, हमेशा धनात्मक संख्या होता है, किसी भी दशा में ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। अब परवर्ती की बात करते हैं। परवर्ती माने अनुवर्ती संख्या, यदि किसी भी संख्या में एक जोड़े उस संख्या की परवर्ती प्राप्त होती है, अनुवर्ती संख्या या अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 है, 3, 2, 5, 8 है, इसे छोड़िए, माने पूर्ण संख्याओं के लिए प्रत्येक संख्या का परिवर्ती होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए प्रत्येक संख्या का परिवर्ती होता है। माने जीरो का भी अनुवर्ती होता लेकिन पूर्ववर्ती नहीं होता, परवर्ती होता है, परवर्ती और अनुवर्ती एक ही है, मतलब जिसमें एक जोड़ने पर प्राप्त हो। जीरो में जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा लेकिन ऋणात्मक किसी भी दशा में नहीं हो सकती, यह कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देख रहे हैं 3 में एक जोड़ दिया, देखिए 3 था, एक जोड़ दिया, कितने हो गए 4। देख रहे हैं 4 कैरेट 4 गाजर हो गए, तो ये क्या हो गए, परवर्ती हो गए। इसी को हम अनुवर्ती कहते हैं। जीरो का परवर्ती हो सकता है लेकिन पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो एक, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसकी हमें परवर्ती मिलती है। 56 की परवर्ती 56, 57, 4 की परवर्ती 5, 999 की 1000, तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे 3 में एक जोड़ेंगे 4, तो ये क्या होगी, 3 की परवर्ती 4, परवर्ती गई या अनुवर्ती गई। अब संख्या रेखा, अब हम जानते हैं ये संख्या रेखा क्या होती है। सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग संख्या रेखा देखते हैं। अब संख्या रेखा को समझने का हम प्रयास करते हैं। इसमें देखेंगे संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा, ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा कैसी है, एक सरल रेखा। इसे संख्या रेखा भी कहते हैं, इसे वास्तविक रेखा कहते हैं, ये एक सरल रेखा है। अब जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, जिसका उपयोग हम वास्तविक संख्या के लिए कहते हैं, वो वास्तविक संख्या में सभी धन पूर्णांक आते हैं, सभी ऋण पूर्णांक आते हैं, सभी परिमेय संख्याएं आती हैं, अपरिमेय आती हैं। माने वास्तविक संख्याओं में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब यहां पर देखिए इस संख्या रेखा में को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इस रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए जो चित्र में दिखाई गया उसमें देखिए ये हो गया 0, इसके जब दाई तरफ बढ़ेंगे हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा और जब बाई तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन इनके बीच में हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में कर्णी में 2 भी है, ठीक। अब 3 के बाद अगर हम देखेंगे तो पाई भी है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 सही 1/2 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं होंगी, एक इधर 0 दाई तरफ बढ़ेंगे धन पूर्णांक, 0 से बाई तरफ बढ़ेंगे तो ऋण पूर्णांक। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है -4 सही 1/7 ये हो सकता है ना, -4 सही 1/7, तो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे ये हो गया 6/7 हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो संख्या रेखा होता है यह एक वास्तविक, ध्यान दीजिएगा यह क्या करता है, देखिए यहाँ पर एक लाइन में था वास्तविक संख्या का, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए। इस पर सभी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस पूरी सीरीज में एकदम आप लोगों ने समझ लिया, इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। ये 0 हो गया। अब देखिए 0 सही, अगर हम 0 सही गिनती की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या हो गई, गिनती से बढ़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या हो गई, ये ऋण पूर्णांक हो गया, और 1 से लेकर बढ़ेंगे तो ऋण धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक है, 0 की तरह आएंगे ऋण पूर्णांक। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है, कब ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी धन पूर्णांक 1 है, सबसे छोटी धन पूर्णांक 1 है, और सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत है। अब इसमें आइएगा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1, -1 सबसे बड़ा है ऋण पूर्णांक, और यहां पे क्या है,
सबसे छोटा धन पूर्णांक एक होता है, एक दूसरे के विपरीत है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक अनंत है और यहाँ पे सबसे छोटा ऋण पूर्णांक अनंत है और यहाँ पे सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत है, एक दूसरे को उल्टा है, क्योंकि माइनस एक सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, इससे बड़ी कोई ऋण पूर्णांक है ही नहीं, और इसके सबसे छोटे की बात करें तो अनंत है, वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते ये संख्या रेखा आपको समझ में आ गया होगा। अब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं हैं, मैंने यहां पे क्या भी बताया आपको कि हम रेखा खींचते हैं और उस पर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट लिखते जाते हैं, समान दूरी पर पूर्ण संख्या अंकित करते हैं, वह रेखा पूर्ण रेखाओं के लिए क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई, पूर्ण रेखाओं के लिए क्या हो गई, एक संख्या रेखा हो गई। यहां पे देखिए 0 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या हो गई, ये हमें क्या मिल गई यहां पर, अगर हम आप देख पाए तो एक बात हमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा, यहां पे हमने यहां पे क्या देखा कि संख्याओं के बीच समान दूरी को इकाई दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, इकाई, इसके बीच कितनी, एक इकाई, इनके माने संख्या रेखाओं के बीच की जो समान दूरी होती है उसे हम इकाई दूरी कहते हैं। जैसे 0 से लेकर 4 तक के बीच में कितनी इकाई होगी, 1, 2, 3 और 4, तो इनके बीच में कितनी हो गई, 4 इकाई दूरी हो गई, तो इनके बीच की जो समान दूरी होती है इसे इकाई दूरी कहते हैं। अब संख्या रेखा के दाईं ओर पूर्ण संख्याएं बढ़ती हैं, ठीक, और बाईं, इसकी तरह जब भी दाईं तरफ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगी और जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो घटेंगी, मानेंगे क्या होंगी, बढ़ेंगी और यहां पे घटेंगी, ठीक है, यहां पे क्या होंगी, घटेंगी। तो ये आप समझ लीजिएगा, आगे और अच्छे समझेंगे। संख्या रेखा में पूर्ण संख्या 0 और 1 के बीच की दूरी एक इकाई होगी और 1 और 3 के बीच, ध्यान दीजिएगा, 1 और 3 के बीच में 1 और 2 कितनी इकाई होगी, 2 इकाई होगी, कितनी होगी, 2 इकाई। वही मुझे यहाँ पे स्पष्ट करना था, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को योग कैसे करते हैं ये भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का हम क्या करते हैं, कैसे हम योग करते हैं, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम संख्या रेखा पर दोनों संख्याओं के दाईं ओर होगा। जैसे 2 और 5 को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 को जोड़िए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 और 5 जोड़ने के लिए हम 2 से शुरू करते हैं और ऊपर क्या आकृति में दिखाए गए, हम देखिए क्या करेंगे, 2 में क्या करना है, क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने शुरुआत क्या किया, यहां से पहले 2 कदम आ गए, कहां तक आ गए, 2 कदम आ गए, फिर यहां से उठे हम कहां चले हैं, 5 पे। अब इसको जोड़ लिया जाए, कितनी इकाई होगी, 1 इकाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी हो गई, 7। तो यहां पर देखिए कि दाईं ओर 5 कदम चलते हैं, देखिए पहले 2 तक आ गए, 2 के बाद कितने कदम चलना है, 5 कदम, 1, 2, 3, 4, 5 कदम, तो दिखाए के अनुसार हम, अब प्रत्येक कदम एक इकाई के बराबर होता है, 5वें तीर का सिरा 7 नंबर पर है, इसलिए 2 और 5 का योग कितना हो गया, 7, क्या हो गया, 7 हो गया। देख रहे इसका तीर का निशान कहां पे आएगा, 7 पर आएगा। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर क्या किए, जोड़ की अवधारणा को समझ लिए, ठीक है, हम और आगे चलते हैं आपके साथ। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए, ये निशुल्क क्लास आप सभी के लिए, देशित में राजित में, 2+5 यहाँ पे 2 है, ये 5 है, दोनों मिला कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संख्या रेखा पूर्ण संख्या घटाओ, घटाओ भी क्या होगा, घटाओ के लिए बाई तरफ जाएंगे, जोड़ के लिए दाई तरफ आते हैं, घटाओ के लिए बाई तरफ जाएंगे। अब यहां देखिए 5 है, 2 संख्या घटाओ, हम संख्या रेखा के बाईं ओर चलने पर परिणाम प्राप्त करते हैं। आइए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। अब यदि हमें 2 संख्या संख्या रेखा के बाईं ओर चलने पर परिणाम प्राप्त, आइए हम 5 में से 3 घटाते हैं। सबसे पहले कहां आएंगे, 5 तक आएंगे, 5 आ गए, अब इस 5 में से हमें कितना घटाना, 3, तो हम यहां से आएंगे, कैसे आएंगे, देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3, 1, 2, 3 कहां पहुंच गए, 2 पे, तो परिणाम कितना प्राप्त हो गया, मतलब 5 में से 3 गया, परिणाम कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। वही ये कह रहा है, मतलब 5 में से 3 घटाने के लिए हम 5 से शुरू करते हैं और 3 कदम बाईं ओर चलते हैं। देखिए घटाओ के लिए हमेशा बाईं ओर है, घटाना के लिए बाईं तरफ, हमेशा जब भी घटाना होगा बाईं तरफ चलेंगे, जैसा चित्र में भी दिखाया गया, तीसरे तीर के 9 को 2 पर, इसलिए 5 में से 3 को घटाने पर क्या आएगा, 2 आएगा। यहां भी देख सकते हैं
सात में से चार गया कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा। सात है, सात में से क्या करेंगे, चार कदम, एक दो तीन चार, कितना आएगा तीन। इकाई दूरी देख रहे, इकाई दूरी कितनी, इकाई दूरी चलेंगे, सात में चार घटाना है तो एक दो तीन चार, और कितने पहुंच गए तीन पर, आप देख पाएंगे। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या गुणन भी होता है, गुणन कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। दो है, चार बार करना है, दो दो इकाई बढ़ जाएंगे, दो चौके आठ आ जाएगा, वो भी देखेंगे। गुणन में हमें संख्या रेखा के दाईं ओर चलने पर परिणाम मिलता है। अच्छा, गुणन में भी हमें दाईं तरफ चलना होता है, लेकिन कदम एक इकाई के बराबर नहीं होता, यह संख्याओं पर निर्भर करता है कि कितने कदम चलना है। आइए, चार का अगर दो में गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो गुणे चार करना है। अब यहाँ पे गुणा कितने में करना है, दो गुणे चार, तो कदम कितने का होगा, दो का होगा। अब देखिए, ये दो का कदम हम लोगों ने चला, एक दो तीन चार, कितने कदम चले, एक दो तीन चार कदम चले। एक बार में कितनी इकाई है, दो इकाई है, फिर दो इकाई है, फिर दो इकाई है, माने बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे हम गुणा कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार दो कदम, फिर दो कदम, फिर दो कदम, फिर चार बार अगर हम चलेंगे तो परिणाम हमें कितना प्राप्त हुआ, आठ। परिणाम हमें कितना प्राप्त होगा, आठ प्राप्त होगा। कितना हो गया यहाँ पे, परिणाम हमें आठ प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने संख्या रेखा पर देख लिया कि जीरो शुरू करते हैं और एक बार में दो इकाई के बराबर चलते हैं, ऐसा चार कदम चलते हैं, चार चाल के बाद अंकित तीर की नोक आठ पर, इसलिए परिणाम कितना हो गया, आठ हो गया। चार गुणे दो आठ। अब आप यहाँ पे देखिए, तीन गुणे दो करना है तो तीन, तीन गुणे दो करना है मतलब तीन तीन कदम दो बार चलना है, तीन कदम फिर तीन कदम छाएगा, इस तरह आप संख्या बढ़ सकते हैं। आइए पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, पढ़ेंगे, और कोशिश करिएगा आप भी इस तथ्य को लिखते चलिए। वैसे नोट चाहे तो आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जहां पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, कोई कहीं भी डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए है। पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं की योगात्मक पहचान जीरो है, माने जो पूर्ण संख्या होती है उनकी जो योगात्मक पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं की योगात्मक पहचान जो है वो क्या है, आपका जीरो है, क्या है वो, जीरो है। दूसरा, पूर्ण संख्याओं की गुणात्मक पहचान एक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं की योगात्मक पहचान जीरो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ लेते हैं। पूर्ण संख्याओं का जो योगात्मक पहचान क्या है, जीरो है। पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक पहचान हमेशा एक होती है। पूर्ण संख्याएं योग में साचर नियम का पालन करती है, आगे हम लोग इन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। पूर्ण संख्याएं जो है योग में साचर नियम का पालन करती है, आगे हम इसको देखेंगे, साचर नियम होता क्या है। पूर्ण संख्याएं गुणन साचर नियम का पालन करती है, आगे हम लोग देखेंगे गुणन साचर क्या होता है, इसी वीडियो सीरीज में देखेंगे। दो संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं यदि जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, यदि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदैव हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना पढ़ना जरूरी है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के संवृत्त गुण क्या होते हैं, संवृत्त गुण क्या होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, खासकर जब परीक्षाओं में आते हैं, हमें प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आती और हम चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न की भाषा है उसके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। संवृत्त गुण का मतलब क्या होता है, आइए इसको ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया समझिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन से चार बार वीडियो को देखिएगा, फिर भी समझ में आए वीडियो में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को पूरा करने का, समझने। योग के लिए दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इस गुण को योग के लिए संवृत्त गुण के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 + 6 = 10, तो हमने देखा कि दो पूर्ण संख्याएं, यह भी पूर्ण संख्या, यह भी देखिए, यह भी W है, ये भी W है, और ये भी क्या हो गया, W, माने दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होती है, इस गुण के लिए हम संवृत्त गुण के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, संवृत्त गुण है, माने किसी भी दो पूर्ण संख्या का योग करेंगे तो हमें हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, दो में तीन जोड़ेंगे 5, ये भी पूर्ण संख्या है, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, संवृत्त गुण है, माने योग के लिए संवृत्त गुण है। इसे ऊपर हम लोग पढ़ लिया कि दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा पूर्ण संख्या होती है, इसी को कहा जाता है
पूर्ण संख्या के योग का संवृत्त गुण, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। आगे यहां पे ध्यान देंगे घटाओं के लिए। जब घटाओं के लिए हम बात करते हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। घटाओं के लिए यहां पे कुछ चीजें जरूरी समझना कि घटाओं के लिए समृद्ध गुण कैसे होगा, ठीक है, ये भी आप लोग समझिएगा, ये भी आप लोग जानिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये घटाओं के लिए है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता, योग हमेशा पूर्ण संख्या होगा लेकिन अंतर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि अंतर क्या है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पर याद रहे कि पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब क्या है कि घटाओं के तहत पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं होती, जब हम घटाना करते हैं तो इसमें समृद्ध गुण नहीं आता। जैसे अगर हम बात करें 8 में से -15 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है -7 आएगा, तो -7 क्या है, यह एक ऋणात्मक संख्या है, यह ऋण पूर्णांक है, क्या है आपका ऋण, यह एक ऋण पूर्णांक है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं, यह क्या है, एक ऋण पूर्णांक है। तो वही कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसका मतलब है कि घटाओं के तहत पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं होती, यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। अब देखिए 5 में 4 गया 1, यह तो पूर्ण संख्या होगी, ये तो पूर्ण संख्या होगी, मन तो समृद्ध हो गया, लेकिन 6 में 4 गया 2, 6 में से -8 घटाएंगे ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1 में से -9 घटाएंगे पूर्ण संख्या नहीं। तो वही कह रहा है कि दो पूर्ण संख्या अंतर हमेशा हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए इसका मतलब है कि घटाव के तहत पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक दशा में धनात्मक नहीं आ सकती, ऋणात्मक भी आ सकती है, इसलिए यह एक समृद्ध गुण इसका नहीं है घटाव के नियम के लिए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब गुणन के लिए बात करें तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, यह गुण गुणन के लिए समृद्ध गुण है। जैसे अगर किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे, पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, इसका उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, इसलिए कह सकते हैं कि गुणन के लिए समृद्ध गुण जो इसका होता है वो हमेशा होता है। क्योंकि देखिए 3×7=21, 4×1=4, 5×7=35, माने किसी भी दो पूर्ण संख्या का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, यह गुण गुणन के लिए समृद्ध गुण है, माने गुणा के लिए और जोड़ के लिए समृद्ध गुण है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि धनात्मक आता है हमेशा। भाग के लिए ध्यान दीजिएगा, दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती, इसका मतलब यह है कि विभाजन के तहत पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, समृद्ध गुण अगर हम यहां पर लिख दिया जाए समृद्ध गुण, ठीक है, समृद्ध गुण एक तरफ है एक तरफ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जोड़ के लिए है, गुणा के लिए, यहां घटाना और भाग के लिए नहीं। ये लाइन अगर आपको याद है कभी भी तो आप परीक्षा में गलती नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा समृद्ध गुण जो होता है किसके लिए होता है, जोड़ और गुणा के लिए होता है, घटाना और भाग के लिए नहीं होता। वही कह रहा है, देखिए 9 में अगर 3 से भाग देंगे 3 प्राप्त हुआ, जैसे हम 16 में अगर हम 4 से भाग देंगे 4, ये समृद्ध गुण है। लेकिन अगर हम 5 में 8 से भाग दें, देखिए 5 में डिवाइडेड बाई 7 करें तो क्या हो जाएगा 5/7, तो ये क्या है, इसका समृद्ध गुण नहीं है। अब जैसे 1 में 1/0 कर दें तो क्या होगा, अनंत होगा, ठीक, या हम यू कह सकते हैं 0 से मैं डिवाइड करें तो क्या होगा, तो यहां पर इसका भी समृद्ध गुण नहीं है। तो वही यहां पर स्पष्ट हुआ कि जोड़ और गुणा में समृद्ध गुण होता है, ठीक, लेकिन घटाना और भाग में नहीं होता। यह हम लोगों को समझ में आ गया, कि आपको भी समझ में आ गया तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हाँ आपको समझ में आ गया है, वाई नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके ये बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी को, इसलिए डे बाय डे लेके चल रहे हैं, और एनसीईआरटी आपकी इस पढ़ाई के लिए रामबाण हो सकती है, रीढ़ की हड्डी होती है एनसीईआरटी सीरीज, चाहे वो गणित की हो, चाहे सोशल हो, जो भी विषय हो, चाहे साइंस हो। तो हम और आगे चले, अब देखते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण समृद्ध गुण हो गया, अब क्रम विनिमय गुण को पढ़ते हैं, यह भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी पूरा पढ़ना समझना है और याद करना है, ठीक। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो गया, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करना। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए, किसी भी क्रम में दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा समान पूर्ण संख्या होता है।
या योग के लिए क्रम विनिमयता का गुण है। माने किसी भी क्रम में, जैसे यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे है 4+3 है, तो यहाँ हम इसे 3+4 करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसे कहते हैं क्रम विनिमय का गुण। और यह दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या रहती है, चाहे हम इसके लिए हम क्रम विनिमयता का गुण कहा जाता है। जैसे 3 है 5 है 6, ठीक, इसका योग कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 6, 14। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5+6+3 तब भी इसका योग 14 होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 पहले कर दे, 3 बीच में कर दे और 5 बाद में कर दे, तब भी इसका योग 14 होगा। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमयता का गुण, माने क्रम को हम आगे पीछे कर दें तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह कहा जाता है, इसे कह सकते हैं योग के लिए क्रम विनिमयता का गुण होता है। किसी भी दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा समान पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए उदाहरण के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 4 में 5 जोड़िए, 5 में 4 जोड़िए, 6 में 8 जोड़िए, 8 में 6 जोड़िए, हमेशा पूर्ण संख्या। घटाओ के लिए देखिएगा, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी क्रम में दो पूर्ण संख्याओं का घटाओ हमेशा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, माने घटाओ की जब बारी आएगी तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसमें क्रम विनिमयता के नियम हमेशा फॉलो नहीं करेगा, इसके घटाओ में क्रम घटाओ के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। जैसे 7 में से 3 घटाएंगे तो यह पूर्ण संख्या है, कहेंगे हाँ सर तो क्रम विनिमयता का नियम है, लेकिन अगर हम चाहे 3 में से 7 घटाना तो क्या हो जाएगा, -7, यही भी क्या होगा, आपका नियम हो गया फेल। तो घटाओ के लिए क्रम विनिमयता का जो नियम होता है वो नहीं होता है, यहाँ कह रहा है कि घटाओ पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाएंगे। जैसे 5 में से 4 पूर्ण संख्या होगी, लेकिन 1 में से 5 गया तो पूर्ण संख्या नहीं है, जब पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी माइनस पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, यह एक क्रम विनिमय नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुणन के लिए, अब पढ़ते हैं गुणन के लिए, ठीक है। अब गुणा के लिए अगर हम बढ़े तो किसी भी क्रम में दो पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा समान पूर्ण संख्या होती है, गुणन के लिए क्रम विनिमयता का गुण मिलता है। जैसे अगर 8 × 7 तो 56 होगा, चाहे हम 7 × 8 करें तब भी क्या आएगा, 56 ही आएगा। तो वही कह रहा है कि गुणा में भी दो पदों का जब गुणा करते समान पूर्ण संख्या मिलती है तो इसमें क्रम विनिमयता का गुण मिलता है। ठीक, भाग के लिए आते हैं, अगर हम भाग के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे देखिएगा, भाग के लिए किसी भी क्रम में दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता, इसका अर्थ है कि पूर्ण संख्या विभाजन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 4 में हमने 2 से डिवाइड किया तो पूर्ण संख्या मिल गया, लेकिन उल्टा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रम विनिमयता का गुण नहीं होता। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चाहे तो आप लिख लीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है नहीं है में क्या हो गया, जोड़ और गुणा, नहीं है में घटाओ और डिवाइड। तो ऊपर समवृत्त गुण पढ़ ही लिया, अब क्रम विनिमयता भी गुण पढ़ लीजिए, किसमें किसमें होता है, क्रम विनिमयता जो होता है ये जोड़ और गुणा में होता है, ये घटाना और भाग में नहीं होता। ठीक, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, दिख रहा है सबको ना। अब सहचर गुण की बात करते हैं, सर ये सहचर गुण भी पढ़ना है, हाँ सहचर गुण भी पढ़ना है। योग के लिए क्या है सहचर गुण में, ये तीसरा पॉइंट है आपके लिए, यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या है तो योग की सहचरता होगी। अब देखिए यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या है तो योग की सहचरता होगी। एक क्रम विनिमयता के लिए देखिए 2 पद ही होते हैं, ऊपर मैंने 3 पद का भी एग्जांपल दे दिया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो क्रम विनिमयता होता है ऊपर मैंने बताने में थोड़ा सा एग्जांपल देने, जैसे वहां 3, 5 और 6 का एग्जांपल दिया था, तो उस एग्जांपल को ऐसे ही मान के चलिएगा, 3+5 मान के चलिए, 3+5 और 5+3, ठीक है। तो ऊपर जो एग्जांपल हमने दिया था, देखिए शायद आपको दिखेगा, अच्छा ऊपर चला गया, कट गया होगा, चलिए। अब यहाँ पे योग के लिए क्या है, यदि एबीसी 3 पूर्ण संख्या हो तो योग की साचरता, साचरता क्या होगी उस पर भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक कोष्टक में ए प्लस बी फिर सी कर देंगे, या ए को बाहर कर दें बी प्लस सी को जोड़ेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहां पर हम लोग देख लेते हैं,
तीन दो आठ, इनको जोड़ना है तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तीन प्लस दो एक ब्रैकेट में प्लस प्लस आठ, इसके मन में कोई पड़ता नहीं होगा, इसका क्या होगा तीन दो पांच और आठ तेरह होगा, इनको इस ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तीन को बाहर कर दिया दो प्लस आठ को जोड़ दिया तो फिर कितना आएगा तेरह, तो इसी को कहा जाता है साचर्यता का नियम। तो ये क्या हो गया, योग के लिए साचर्यता का गुण होता है क्योंकि इसे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पांच प्लस पांच बराबर आठ प्लस दो, ठीक, इसे साचर गुण भी कहते हैं, माने समृद्ध का जो गुण था उसी तरह साचर का गुण है क्योंकि इसमें धनात्मक प्राप्त होता है। घटाओ के लिए पूर्ण संख्या घटाओ के लिए साचर नहीं होती, घटाओ के लिए साचर नहीं होती। आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए अगर ए बी सी तीन संख्याएं हैं, अगर ए बी, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते ए में से बी घटा के सी घटा दें या ए में से बी और सी को घटा दें, इसका उत्तर समान नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है, जैसे दो में से तीन, जैसे तीन संख्याएं हैं, दो है तीन है पांच है, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम चार है सात है, ठीक है, हम अगर चार में से सात को घटाएं फिर इसमें से हम नौ को घटाएं, इसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर हम ऐसे सोच ले कि चार माइनस सात में से नौ, क्या इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएंगे, आप कहेंगे नहीं। तो वही कह रहा है कि घटाओं में साचर्यता का नियम नहीं फॉलो करता, घटाओं के लिए, जोड़ के लिए फॉलो करता है, घटाओं के लिए फॉलो नहीं करता। गुणन के लिए देख लीजिएगा, यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्या है तो गुणन साचर्यता होगी। अब हमने देखा कि जोड़ के लिए है, गुणा के लिए है, घटाना और भाग के लिए नहीं होगा, यही कॉन्सेप्ट अंत में आपका क्लियर होगा। जैसे देखिए ए बी सी तीन संख्या है, ए बी गुणे फिर सी से करें या बी सी गुणे ए से करें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे दो संख्याएं हैं, दो है तीन है पांच है, तो दो तीन छह पच्चे तीस करिए, चाहे पांच पंद्रह दोनों तीस करिए, मान में से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसे कहते हैं साचर्यता है गुणन के लिए। भाग के लिए देखिए नहीं होगी, घटाओ और भाग के लिए साचर्यता नहीं होगी, पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साचर नहीं होती। यहां पर हमने देखा a डिवाइडेड बाई b कोष्टक में डिवाइडेड बाई c है, ये नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c, तो यहां पर हमने देखा कि ये साचर्यता नियम को फॉलो नहीं करती। अगर हम साचर्यता की बात करें, है नहीं, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा प्लस गुणा, इसमें माइनस और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब किसी का कोई हो तो पूछ सकता है, किसी को दिक्कत हो कोई सवाल हो तो यहां पे हमसे। योग पर गुणन का वितरण नियम, यही संख्या है, योग पर गुणन का वितरण गुण, माने ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं तब है यदि वही है अगर यहां पर योग का वितरण माने बांट दिया जाए। जैसे यहां पर ए बी सी तीन संख्या, हम कह सकते हैं ए इंटू, मतलब ये ऐसे है ए इंटू बी इंटू सी, इसका मान क्या आएगा ए बी सी आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे ऊपर हम लोगों ने देखा था ए इंटू बी इंटू, मतलब अगर हम इसके वितरण की तरफ बढ़े, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, माने ए गुणे बी धन ए गुणे सी, ये यहां पर समझा था। ठीक है, अब जैसे एक मिनट ध्यान दीजिए, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, यदि यहां पर हमारे सामने आता है ये योग पर गुणन का वितरण नियम है ना, योग पर वितरण नियम है, तो यहां पर हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा ये तीन संख्याएं हैं, ये संख्या है a इंटू, माने a गुणे बी प्लस सी, तो एक बार हमने क्या किया, अब ये क्या है योग पर गुणन का वितरण नियम, माने वितरण कर रहे हैं तोड़ रहे टुकड़ों में। एक बार हमने क्या किया b से गुणा किया, फिर अगली बार हमने क्या किया c से गुणा किया, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके मान में क्या होगा, इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे यहां पर है आठ गुणे तीन प्लस
पांच, तो हम इसका गुणाकर करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, आठ गुणे पांच तीन आठ, मतलब क्या आएगा, चौसठ आएगा। अब हम इस तरह इसका गुणा एक बार इसमें करें, आठ गुणे तीन प्लस आठ गुणे पांच, तो आठ तीन चौबीस और आठ पंजे चालीस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 64। इसे कहा जाता है योग पर गुणन का वितरण नियम। यहां पर देख लीजिएगा, तीन धन पांच है, दो से गुणा किया, एक बार दो गुणे तीन, फिर एक बार दो गुणे पांच, देख रहे, दो गुणे तीन, दो गुणे पांच, दो तीन एक छह, दो पचे दस, यहाँ पर भी सोलह आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, मान सोलह। इसे कहते हैं योग पर गुणन का वितरण। इसे योग के गुणन के वितरण के रूप में जाना जाता है। अब तत्समक गुण क्या होता है यह भी जान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है तत्समक गुण, यहां से परीक्षा में सवाल आता है। योग के लिए जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तब परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या होता है, और शून्य को पूर्ण संख्या के योगात्मक तत्समक कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे 18 है, इसमें जीरो जोड़ दिया जाए 18 ही प्राप्त होगा, से जीरो में 12 जोड़ दिया जाए तो 12 ही प्राप्त होगा, ठीक है, या जीरो में हम 7 जोड़ दे तो 7 ही प्राप्त होगा। तो कह रहा है जब किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, जो पूर्ण संख्या को योगात्मक तत्समक कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिएगा, यहां से पूछा जाता है कि योगात्मक तत्समक क्या होता है। अगला है गुणन के लिए, अगर देखें जब एक को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, इसलिए एक को पूर्ण संख्या को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणा के लिए गुणात्मक और योग के लिए योगात्मक तत्समक कहते हैं, मतलब वही मान अगर प्राप्त हो जाए उसे हम तत्समक कहते हैं। जोड़ के लिए योग का होगा और गुणा के लिए गुणात्मक होगा। तत्समक माने हुबहु संख्या, पूर्ण संख्या ही प्राप्त करना, हुबहु पूर्ण संख्या प्राप्त करना। जैसे यहाँ पे 17 गुणे एक कर सकते हैं 17 आएगा, 12 गुणे एक करेंगे तो 12 आएगा, ये तत्समक होगा। ये क्या हो गया, ये गुणात्मक तत्समक हो गया, योगात्मक तत्समक हो गया, ये गुणात्मक तत्समक हो गया, माने सेम पूर्ण संख्या प्राप्त करना ही तत्समक कहलाता है। तत्समक गुण का उपयोग घटा और भाग के लिए नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा, तत्समक जो गुण है इसका उपयोग घटाना के लिए और भाग के लिए नहीं होता, इसका इस्तेमाल केवल केवल गुणा और जोड़ के लिए होता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे नोट में लिख लीजिएगा, चाहे नोट्स में लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, चाहे ये नोट्स आप अपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। अब हम बढ़ते हैं संख्या पद्धति, वैसे ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस लेसन में आ गया है इसलिए हम इसको बढ़ा के समझा के इस अध्याय को खत्म कर दे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को यन से लिखते हैं, यन से प्रकट करते हैं, यन से। एग्जाम्पल क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात डाट अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। तो दो प्रश्न यहां पर आपके बनके तैयार हो गए, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच अनंत है। पूर्ण संख्या क्या है, जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यदि प्राकृतिक संख्या को जीरो शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या होती, शुरू में हमने पढ़ लिया था, और इसे डब्ल्यू से प्रतिनिधित्व करते हैं। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक सकारात्मक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या समानतः शून्य से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती है। देखिए, एक से शुरू करेंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी और जीरो शुरू करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझना था। इसे होल नंबर कहते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, इंटीजर नंबर का मतलब क्या, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है शून्य तथा ऋणात्मक, माने धन पूर्णांक जीरो सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे ये संख्या रेखा पे शून्य हो गया, अब इसके इधर को हम एक दो तीन, इसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं, और एक के बाई तरफ ये हो गया दाई तरफ, किसके, जीरो के दाई तरफ हो गया। अब जीरो के हम बाई तरफ बढ़ते हैं तो बाई तरफ ऋणात्मक होता है, दाई तरफ क्या है, धनात्मक, जीरो के, किसके, जीरो के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। देखिए, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक, सबसे छोटे ऋण पूर्णांक अनंत, सबसे छोटी धन पूर्णांक एक, सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत, ये भी मैंने ऊपर समझा दिया था, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। और ये हो गया पूर्णांक, धन जीरो सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए यदि
ऐसे लिख रहे हैं हम, जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका ऑड। मतलब जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक जीरो दो चार छ आएगा उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सम। जिसके इकाई का अंक एक तीन पांच सात अच्छा आठ आएगा, आठ और नौ दो छोड़ दो, ठीक है। जिसके इकाई का अंक एक तीन पांच सात नौ आएगा वो क्या हो जाएगा? विषम। माने जिस संख्या की इकाई का अंक जीरो दो चार छह आठ होगा उसे इवेन नंबर कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जिस संख्या की इकाई का अंक एक तीन पांच सात नौ आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इवेन को ई से प्रकट करते हैं, ऑड को ओ से प्रकट, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या दो है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। कई बार पूछा जाता है एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, दो अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, दो अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। मेरा सवाल आपसे है कि दो अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, जवाब कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दीजिएगा। इस तरह विषम संख्या में पूछा जाता है। अच्छा, और जो सम संख्या होती है वो दो से हमेशा विभाजित हो जाती है। जिस संख्या की इकाई का अंक क्या होता है? दो चार छह आठ आता है। जीरो दो चार छह आठ हो जिनकी इकाई का अंक वे सम संख्या होती है। सम संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। अब विषम संख्या क्या होती है? दो से विभाजित नहीं होती। जिस संख्या की इकाई का अंक एक तीन पांच सात नौ होता है वे संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। एक से लेकर सौ तक गिनती लिखिएगा और उसमें बताइएगा कितनी सम संख्या है और कितनी विषम संख्या। सम संख्या को गोला करिएगा, विषम संख्या को क्रॉस काटिएगा। इससे आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सम और विषम संख्या का। वैसे आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे विषम संख्या हो गया। अब भार संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या माने दुनिया की कोई भी संख्या होती है जो एक से और स्वयं से कटती है। दुनिया की जितनी भी संख्या होती है वो एक से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी और संख्या से कट रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। माने ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी या यूं कह सकते हैं तीसरी संख्या से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? चार होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या चार होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? नौ होती है। क्या होती है? नौ होती है। यही परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, बाकी आपको साथ समझ में आ गया होगा। ऐसे समझिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, ये सर चार के नीचे क्या होगी? जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। देखिए एक न तो भाज्य होती है ना भाज्य, एक न तो भाज्य होती है ना भाज्य, इसे बाहर कर लिया गया, ठीक। दो क्या होती है? अभाज्य। तीन अभाज्य। चार क्या होती है? चार क्या होती है? ये भाज्य होती है, भाज्य को हम टिक कर रहे हैं। छह भाज्य हो गई और आठ भाज्य हो गई, नौ भी भाज्य। नौ कैसे भाज्य है? देखिए नौ एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, एक और स्वयं के अलावा ये तीन से भी कटेगा, इसलिए नौ भी क्या है? भाज्य। लेकिन नौ एक विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नौ है। माने नौ से छोटी ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो भाज्य हो। उसके ऊपर पंद्रह आपको मिल जाएगा, इक्कीस मिल जाएगा, जो विषम भी है और भाज्य भी, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नौ है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या चार है। चार क्या है? सम संख्या भी और भाज्य संख्या भी, ठीक है। चार की नीति कितने भाज्य है? दो और तीन क्या है? अगर हम देखें तो दो तीन है, पांच है, सात है, ये सब क्या है? अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या को भी देख लेते हैं, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसे कंपोजिट नंबर के भी नाम से जानते हैं। माने ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह, इसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी है। ये क्या है? सबसे छोटी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है? तीन। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य है और तीन के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है सब विषम है। दो इकलौता और एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। और ऊपर मैंने बताया एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना भाज्य। एक सवाल पूछा जाता है एक से लेकर सौ तक में कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, एक से लेकर सौ तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं।
ठीक है, एक से लेकर 100 तक में कुल कितने भाज्य होते हैं, कितने अभाज्य। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रैशनल नंबर। वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें किसके रूप में पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां क्यू का मान जीरो ना हो, हर कभी भी जीरो ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3/7 हो गया, 60/3 हो गया, -5/6 हो गया, 1/6 हो गया, 6/1 हो गया, या ऐसे -8 है इसका बटा एक लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। केवल 8 है इसका भी बटा एक लिख सकते हैं। जैसे -17 है, यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या। इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्या को हम बटा एक के रूप में लिख सकते हैं। माने 17 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने देख लिया 22/7 क्या है, यह भी परिमेय संख्या है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अब आप बताइएगा कैसे जीरो भी एक परिमेय संख्या है, कैसे? कॉमेंट करके बताइएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जिनका मान निकालते जैसे कणी में 2 हो गया, कणी में 3 हो गया, माइनस कणी में 2 हो गया, कणी में 3 हो गया, कणी में 5, पाई और कणी में 7। देखिए पाई, देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, पाई क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो है ना 22/7, ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय। ये पूछा जाता है सवाल और आपको याद रखना होगा। माने पाई स्वयं तो परिमेय है, लेकिन जो पाई का मान है यह है परिमेय संख्या। देखिए कर्णी में 7 हो गया तो ये हो गया वास्तविक संख्या। किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसा भिन्नात्मक संख्या जिनका हर 10 हो या 10 की घात, जैसे 3/10, 8/100, 7/1000, ये क्या होगी? ये भिन्नात्मक संख्या होगी। ठीक है, दशमलव भिन्न, जैसे कि 7/10, 17/100, 11/100, 3/100, इस तरह से। अत्रिभाज्य संख्या है, इसे हम प्राइम ट्रिप्लेट नंबर के नाम से जानते हैं। माने ये तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या सीएफ 1 हो, उसे हम अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम ट्रिप्लेट नंबर कहते हैं। जैसे 8, 9 तथा 25, ये अत्रिभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन संख्याओं का सीएफ 1 हो। ठीक है, ऐसे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका सीएफ 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। कोई इसका एग्जाम्पल आपके पास हो तो इसका उदाहरण आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं उसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा पेज को और वीडियो को शेयर करिएगा। यूट्यूब पर जहाँ भी देख रहे हैं चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि लोगों तक पहुंचना चाहिए। वैसे आपकी मर्जी, करे ना करे, शेयर करें, लेकिन शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ाओ देख रहे हैं टेलीग्राम पर, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नंबर पर जुड़कर काल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं आप सभी लोग। नोट संबंधित सभी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर कहीं देख रहे हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने जवाब भी दे सकते हैं। मेरे द्वारा अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो थियरी पढ़ लेंगे, फिर इसके प्रश्नों को सॉल्व करें, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके सब्जेक्ट की तरफ भी फोकस करेंगे, सब्जेक्ट को ही पूरा पूरा पढ़ेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं हम पढ़ाएं आपको समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये बेसिक गणित है, बेसिक से हम आपके तरफ एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे एक दिन ऐसा आएगा गणित का डर जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वैसे वीडियो को में कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई पूछेगा, मेरी आवाज साफ आ रही कि नहीं, ये भी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ इतना ही, मिलता है एक नए सेशन, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, हाँ, वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।